destination is expected to be good, with some broken clouds, but they'll try to have them fixed before we arrive. हाँ जी नमस्ते एवरीवन। तो आई होप आप सबको हमारा पोर्ट ब्लेयर वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो एंड यू गाइज इन्जॉयड इट। आज है 24 सितंबर एंड हम लोग आ गए हैं हैवलॉक आइलैंड फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। जर्नी 2 घंटे की थी बाय स्मॉल क्रूज शिप। इससे पहले कि मैं आपको हमारे आगे के प्रोग्राम के बारे में बताऊँ, आई वॉन्ट टू शेयर आवर एक्सपीरियंस ऑफ दिस नॉटिका फेरी। एंडमान आइलैंड्स एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं और एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए सबसे कन्वीनियंट है ये छोटे क्रूज शिप्स। सबसे फेमस 3 जगह जो कि ज़्यादातर टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं वो हैं पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक एंड नील आइलैंड्स। अब ये तीनों आइलैंड्स काफ़ी अच्छी तरह से प्राइवेट और गवर्नमेंट क्रूज बोट से कवर्ड हैं। प्राइवेट फेरीज जो कि नॉटिका, मरक्रूज एंड ग्रीन ओशन एंड इनमें टिकट्स वेरी करती हैं फ्रॉम 1300 to 1700 रुपीज़ पर पर्सन पर जर्नी, लाइक फ्रॉम हैवलॉक टू नील, नील टू पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक। एंड इनकी फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी अच्छी है, लाइक फ्रॉम मॉर्निंग टू आफ्टरनून यू कैन गेट लाइक 3 to 4 फेरीज, यू कैन चूज़ फ्रॉम 3 to 4 फेरीज। बट अगर आप गवर्नमेंट की फेरी चूज़ करते हैं तो दे आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव। इन फेरीज से जर्नी करना बहुत कन्वीनियंट है, टाइम सेंसिटिव है, आपको टाइम से पहुँचाती हैं, टाइम पर आती हैं एंड इट्स वेरी ईजी। फेरी के अंदर आपको वाटर, स्नैक्स जैसी सब सुविधाएं मिल जाती हैं। तो हम लोग आज आ गए हैं हैवलॉक आइलैंड 3 दिन के लिए एंड हमारे प्लान में हैवलॉक आइलैंड्स में मिली है डीप सी डाइविंग, राधानगर बीच, काला पत्थर बीच, एलिफेंट बीच एंड विजयनगर बीच। वेलकम टू स्वराज द्वीप और हैवलॉक। एवरी प्लेस हेयर हैज़ 2 नेम्स, द वन द ब्रिटिश गेव इट दिस प्लेस एंड द अदर वन द इंडियंस गेव इट लेटर, द इंडियन गवर्नमेंट गेव इट लेटर, हैवलॉक डॉक। स्क्रीन नंबर मेरा फोन सामने पड़ेगा। टू
हमको ऑटो चाहिए, ऑटो चाहिए, आगे मिलेगा। थैंक यू सो मच। हायरिंग के लिए 24 का आवाज के लिए अभी तो पहले हम लोग होटल जाएंगे, फिर हमारा होटल है कोरल रीफ। कोरल रीफ कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए हमारा, फिर आप कर सकते हो कोरल रीफ में पहुँचा देंगे। अच्छा एक मिनट, होटल से भी ले सकते हो, कॉल करिए वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे टू व्हीलर चाहिए तो सर। अच्छा जी सर, ठीक है, नंबर ले लीजिए। क्या रेंट है? 500 रुपीज़ देते सर 24 आवर्स। जी सर, लव नंबर दीजिए। बता कौन सी रे भाई जी? हमें तो पता कौन सी था, बोलो नंबर बोला। 9476 0766 0766 338। इसको अगर करना है तो इसको भी मिल जाएगा सर, इसको कम में करा देंगे। जी सर, पहले स्कूटर ले लेंगे, उससे पहले हम होटल जाएंगे। अच्छा, यहाँ से लेंगे कि यहाँ से टैक्सी चाहिए? क्या चाहिए? अभी ऑटो लेने जा रहा हूँ। अच्छा ऑटो चाहिए ना? हाँ ऑटो आपके सामने मिल जाएगा। ठीक है, क्या लेंगे? 200 रुपीज़ हमको लेंगे वो कर दिया उन्होंने। कोई बात नहीं यार, एक ही बात है वो तो। हालांकि बहुत दूर नहीं, वैसे ऑटो भी मिल गया यार। ऑटो वाले कितना लेगा? ठीक है यार, ऑटो से चले जाएंगे घूमते फिरते। ठीक है, आ जाए नीतीश। हाँ मैं आपको कॉल करता हूँ फिर स्कूटर, बट फिर स्कूटर की कंडीशन आप कैसे देखें? मतलब अच्छा 4G का गाड़ी है, नया गाड़ी है सर, कंडीशन नहीं है। ठीक है, हमारा टाइप शॉप ही है। ठीक है, सबसे आप तो आ जाएंगे आपके पास। सबसे पूछिए उसके बाद में लास्ट प्राइस हमसे पूछिए सर। अच्छा देंगे 30 मिनट का टाइमिंग, 20 मिनट का सामने हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, टाइमिंग करेंगे तो स्कूटर भी आपको कम में दे देगा। चलिए ठीक है, हम लोग 3 दिन है। हाँ तो 3 दिन कहाँ जाना? हमको जाना है कोरल रीफ। 200 आएगा सर यहाँ से? 200 रुपये दोनों टैक्सी में जाएगा। 150 दे दीजिए। ठीक है चले जाइए सर। ठीक है,
arrived at our hotel Coral Reef. Let's get down now. चलो मुझे धीरे-धीरे सामान उतारो. पकड़ यार नितिश बैग एक बार. मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं. ये दे दो. थैंक यू सो मच. आप मेरा प्लीज बैग उतार देंगे. भैया को तो 150 रुपये देना. तेरे अलावा सामान दे रहा हूँ. एक बड़ा बैग और है. कोरल रीफ रिजॉर्ट. लुक्स नाइस ऑन द रोड. इस आइलैंड पे यूटी है कोरल रीफ. इसके अंदर 22,000 रुपये दिए हैं. हाँ, यहाँ पे स्पा भी है. हेलो ओके बिग डिसअपॉइंटमेंट नंबर टू. वी आर एट द बीच ऑफ आवर होटल कॉल्ड द प्राइवेट बीच एरिया ऑफ द होटल एंड इन द डे द वाटर इज नॉट ऑन द बीच सो वी कैनॉट स्विम ऑन द बीच. सी सो दिस इज एट द बैक इज आवर होटल एंड नाउ दिस इज ऑल द एम्प्टी बीच. एवरीथिंग इज एम्प्टी. माय गॉड अनदर बिग डिसअपॉइंटमेंट. तो आज का हमारा प्लान था कि होटल की प्राइवेट बीच एरिया पे रिलैक्स करने का, बट वो हो गया पोपट. लेकिन एवरी प्रॉब्लम गिव्स वे फॉर एन अपॉर्चुनिटी. सो वी एंजॉयड आवर रेस्ट ऑफ द डे एट द पूल एंड मेट दिस नाइस फैमिली फ्रॉम चेन्नई हु आर आल्सो ऑन देयर हॉलीडेज. सो हमने वाटर पोलो खेला, चिल किया बाय द पूल. नाउ अबाउट बेवरेजेस इन अंडमान, बियर्स, विस्की, वोडका सब कुछ बहुत ही इजिली अवेलेबल है. ऑलमोस्ट सभी रेस्टोरेंट्स के पास बार लाइसेंस है. यू कैन ईजिली एंजॉय योर फेवरेट कपल ऑफ ड्रिंक्स ऑन हैवलॉक आइलैंड. बार्स एंड रेस्टोरेंट में अल्कोहलिक बेवरेजेस का प्राइस थोड़ा सा आपको ऑन द हायर साइड लग सकता है, बट दैट्स ओके क्योंकि सब कुछ इन आइलैंड्स पे मेनलैंड से इम्पोर्ट किया जाता है, इंक्लूडिंग द स्टाफ ऑल्सो. लुक एट दिस. लुक 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 लुक. आई लव डॉग्स बट आई एम कंफ्यूज्ड लाइक व्हाई दे आर नॉट एबल टू ग्रो क्रॉप्स ओवर हियर इन दिस आइलैंड. आई हैव नो क्लू. लाइक हु एम आई. आई हैव आस्क्ड देम. दे आर नॉट एबल टू ग्रो इट. This is the old one. That's right. No, you have to remove the cap. It's okay. How much you are drunk? It's the same thing for I, me. I am drunk. I am seeing this. I am seeing that. How much are you drunk that you cannot even know that no. you have to get drunk? No, it is a shame if you don't get drunk. Agreed. Fully agreed. Huh? My wife used to ask me, what you are doing? I said, what are you doing? No, please. No, I already had too much. Do the honors. Please. we want to drive some scooter left and right. Jayega either port tak wapas. Scooter hai kya aapke paas? Haan. You just had a scooter. Phone kiya, wo leke aa gaya. Yahin pe leke aa gaya. Idhar hi hai scooter, maha. Idhar hi hai. Opposite hai. Main to phone kiya. 300 rupees diya isko per day. It's a good deal. A good deal he's got. क्या डील? 300 रुपीस पर डे. इट्स अ गुड डील इज गॉट. ओह 300. आई एम पेइंग 500. ओके वी आर गोइंग टू हैव डिनर एंड वी आर गोइंग टू दिस प्लेस. समथिंग डिफरेंट. बंद है अब क्या चल रहा है अंदर. चल अब कल सुबह डलवाएंगे. चल अरे 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 पक्का बंद है ना. रस्सी नहीं लगी हुई तो ठीक है. मैं कहूँ कि आजू बाजू कहीं सब मिलता है. हाँ तो अब मैं क्या बताऊँ वहाँ कहाँ मिलता है. कितना पेट्रोल है इसमें? एक बंदे से पूछिए, गैराज वाले से पूछिए कि भैया पेट्रोल है. चल एक लीटर दो एक लीटर डलवा लियो. इसकी एवरेज कितनी होती है भैया? पेट्रोल मिल जाएगा क्या? हाँ नहीं मिलेगा और कहीं? कितना छोटा कुछ चाहिए जहाँ से रेंट किया वहीं वहाँ से मिलेगा.
cheers to Havelock. Cheers to Havelock and cheers to garlic prawns. So now this is at least something close to what I'm wanting for so long. अभी देखूंगा बाद में, मतलब अगर मन करेगा तो ले लूंगा। भूखा आदमी खाते हुए इसको मतलब तो भूत प्रेत में विश्वास रखता है। विश्वास नहीं, मेरे को आज तक वैसे कुछ इत्तेफाक नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं इस तरह का जिस पर मैं बिलीव कर सकूँ। कैसे पता चलेगा इस आइलैंड पर ट्रोल है? तुम्हें इस आइलैंड का रहस्य बात पता करना है। इस आइलैंड का रहस्य तुम्हें पता करना है। बैक टू दी होटल होटल मेरी बहन को नमन। ये 3G है भाई, वो हमें 4G दे रहा था। 4G दे रहा था, देखो भैया को ना नेटवर्क आ रहा 4G ना हमको गाड़ी मिली 4G। हाँ हो गया यार, समझ नहीं आ रहा ना गोवा के लिए। वो तो तू बता रहा है गुस्सा। हाँ गया